हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या देखने जाएंगे यार, सॉफ्टवेयर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं सिस्टम 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 सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? देन व्हाट व्हाट इज द सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देन 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 दोज सॉफ्टवेयर दोज सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर control the internal working of a computer system is known as system software and system software is an example of operating system। तो क्या हम लोग देख रहे थे? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या देख रहे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या देख रहे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? दोज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स विच कैन सीन एंड फील बट कैन नॉट टच, इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो वह छूने या देखने वाले यंत्र विच इज यूज फॉर, जिसका प्रयोग फॉर कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। क्या? नियंत्रण नियंत्रण के लिए। फॉर कंट्रोल द इंटरनल वर्किंग मतलब अंदर के कार्य ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक संगणक
एक संगणक। तो क्या बोल रहा है, इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देन दोज क्या बोल रहा है, वह छूने या देखने वाले यंत्र, क्या बोल रहा है, वह छूने या देखने वाले यंत्र सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह क्या है, विच कैन सीन एंड फील बट कैन नॉट टच, इन्होंने सॉफ्टवेयर। देन वह महसूस और क्या, देखने वाले सॉफ्टवेयर, विच इज जिसका क्या, जिसका प्रयोग करते हैं नियंत्रण करने के लिए, किसका, अंदर के कार्य, एक संगणक के अंदर के कार्यों को, नियंत्रण मतलब काबू, नियंत्रण करने के लिए जिस जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और दूसरा क्या था हम लोग का, ऑपरेट, और क्या था ये, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अबर व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसे कहते हैं। देन देन व्हाट व्हाट इज द ऑपरेटिंग व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, जा रहे हैं व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन दोज सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर दोज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर द यूज फॉर द विच यूज फॉर द कंट्रोल द ऑल वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दो सिस्टम सॉफ्टवेयर विच यूज फॉर कंट्रोल द ऑल वर्किंग ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ आउटपुट डिवाइस इज नॉन एज ऑपरेटिंग नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसे कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन्स विच कैन सीन एंड फील बट कैन नॉट टच, जिसे वह सॉफ्टवेयर छुआ नहीं जा सकता लेकिन देखा और महसूस किया जा सकता है, जिसका प्रयोग, यूज मीन्स प्रयोग, जिसका प्रयोग फॉर द कंट्रोल,
नियंत्रण करने के लिए, जिसका प्रयोग नियंत्रण करने के लिए, किसका नियंत्रण करने के लिए, द ऑल वर्किंग, सभी प्रकार के वर्किंग, द ऑल वर्किंग ऑफ आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इज नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि वह सिस्टम, क्या वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग, किसका, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए, कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं, नियंत्रण करने के लिए, किसका, वर्किंग वर्किंग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस विच इज कंट्रोल द वर्किंग कार्य, वर्किंग मीन्स कार्य, वर्किंग मीन्स कार्य, किसका, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मीन्स, इनपुट डिवाइस मीन्स दिए गए और लिए, दिए जाने और लिए जाने वाले डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कौन, जिसके कार्यों को नियंत्रण करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो क्या करता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करके चलाता है, क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे में क्या हो सकता है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग कैमरा लेते हैं, क्या जैसे कैमरा लेते हैं, तो कैमरा में क्या होता है कि उसके कार्यों को कौन नियंत्रण करता है, उसके अंदर के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने का क्या अर्थ कि जैसे कि हम पिक्चर ले रहे हैं तो क्या करेगा, केवल पिक्चर लेगा, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो वो क्या होगा कि केवल वीडियो ही बनेगा, तो ये क्या हो गया, दो कार्य हो गया, तो उसमें क्या कर रहा है कि एक कार्य को एक बार में कर रहा है, एक कार्य को एक बार में कर रहा है, तो क्या हो गया कि उसके कार्यों को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है कि नियंत्रण करने का क्या अर्थ है कि जैसे वीडियो बनाने टाइम में पिक्चर नहीं ले रहे हैं, पिक्चर लेने के टाइम में वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सभी कार्यों को नियंत्रण करके वह चला रहा है, तो वही क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में होने वाले कार्य को क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करना है कि जैसे कि तुम पिक्चर, जैसे कैमरा है ओनली, तो कैमरा क्या है, कैमरा केवल वीडियो और पिक्चर के लिए है, और क्या हो गया, कैमरा हो गया और सेटिंग हो गया, तो क्या हो गया, वो पूरे फंक्शन को सेटिंग करता है, और क्या हो गया, मैसेज हो गया तो केवल टेक्स्ट मैसेज करता है, तो ये क्या कर रहा है कि कार्यों को नियंत्रण कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अल्सो यूज्ड, इट इज अल्सो यूज्ड फॉर मैनेज द एप्लीकेशन, मैनेज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अल्सो यूज,
इसका प्रयोग भी और भी होता है। मैनेज, मैनेज मतलब क्या होता है? मैनेज मतलब भी होता है नियंत्रण। मैनेज मतलब क्या होता है? नियंत्रण। नियंत्रण द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? विच कैन इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर इज नॉन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। किससे? अपने कंप्यूटर सिस्टम से। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्स। क्या? एप्स। तो जिस एप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस एप्स को क्या चाहिए? मैनेज करने के लिए, जिस एप्स को मैनेज करने के लिए, जिस क्या बोल रहा है कि एप्स को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड इंटरफेस बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच यूजर प्रयोगकर्ता हार्डवेयर। हार्डवेयर में तो हार्डवेयर मीन्स विच कैन सीन एंड टच, जिसे हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर इज नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि जो क्या करता है? इंटरफेस करता है। क्या करता है? इंटरफेस करता है किसके किसके बीच में? हार्डवेयर और यूजर के बीच में। क्या? हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस करता है, मिलाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका संबंध बनाता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो क्या हो गया हुआ? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन, उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टम, उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता हो? इंटरफेस करता हो किसके किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस करता हो, जो अंतराल करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। सम नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडो। क्या हो गया? विंडो। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड दूसरा क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। IOP आईफोन। और क्या हो जाएगा? लूनिक्स। क्या हो जाएगा नंबर 4 में हम लोग का? क्या जाएगा? लूनिक्स और ETC। तो क्या हो गया है? ये सब क्या हो गया? विंडो हम लोग का क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड क्या हम लोग का? एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और IOPS क्या हो गया? ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्या हो गया?
ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स भी क्या है, हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जिसको जिसको कि इसलिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए प्रयोग करते हैं, और इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो क्या करता है, जो क्या करता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। देन देयर आर सेवन सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने प्रकार के? सात प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? दे आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सात प्रकार के होते हैं। इन विच नंबर वन, जिसमें हम लोग का पहला होता है डॉस। क्या होता है? बॉस। नंबर दूसरा क्या होता है? एम पी ओ एस। और नंबर थर्ड में हम लोग का क्या होता है? टाइम आर एम टी ओ एस, एम टी एस। और नंबर फोर्थ में हम लोग क्या कहा था? आर टी ओ एस। नंबर सेकंड में हम लोग का क्या आता है? नंबर थर्ड में हम लोग का क्या आता है? एम टी ओ एस। नंबर फोर्थ में हम लोग का क्या आता है? आर टी ओ एस, आर टी ओ एस। नंबर फाइव में हम लोग का क्या आता है? डॉस, डी ओ एस। और नंबर सिक्स में हम लोग का क्या होता है? एन ओ एस। और नंबर सेवन में हम लोग का क्या आता है? एम ओ एस। देन तो क्या देख रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? देन ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सात प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या होता है?
बॉस क्या होता है, बॉस। दूसरा हम लोग का क्या होता है, एम्पोस, क्या होता है, एम्पोस। और तीसरा क्या होता है, एम टॉस। और नंबर फोर्थ हम लोग का क्या होता है, आर टॉस। और क्या होता है, आर टॉस। नंबर फाइव हम लोग का क्या होता है, डॉस। नंबर सिक्स में हम लोग का क्या आता है, नॉस। और नंबर सेवन में क्या आता है, मॉस। तो बॉस का मीन्स क्या होता है, बॉस मीन्स होता है बैच, बैच ऑपरेटिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा हम लोग का क्या है, एम पी ओ एस। तो क्या होता है, एम इज मल्टी, एम इज मल्टी, पी मीन्स प्रोग्रामिंग, प्रो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर थर्ड में हम लोग का क्या आता है, एम टी ओ एस। एम टी एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, मल्टी 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 टास्किंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोग का नंबर फोर्थ में क्या है, आर टी ओ एस। आर मीन्स रियल, रियल टाइम, रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर फाइव में हम लोग का क्या है, डॉस। डॉस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर नाइन में हम लोग का क्या होता है, और नंबर सिक्स में हम लोग का क्या होता है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग नेटवर्किंग एन स्पीच नेटवर्किंग, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर सेवन में हम लोग का क्या आता है, मोबाइल, मोबाइल ऑपरेटिंग, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि, तो हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का क्या अर्थ, विच इज रन विद द हेल्प ऑफ, जो क्या करता है, विच इज कंट्रोल द इंटरनल वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता हो इंटरनल कार्य को, क्या करता है इंटरनल कार्य, जैसे इनपुट आउटपुट के, जैसे इनपुट और आउटपुट होने वाले जैसे कार्यों को क्या करता हो, नियंत्रण करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वह कितने प्रकार के होते हैं, जो क्या करता है कि इंटरनल वर्किंग को क्या करता है, इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, देन देन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, देन देन देयर आर सेवन, देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सात प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सात प्रकार के होते हैं, इन विच नंबर वन विल बी डॉस, नंबर सेकेंड विल बी एमपॉस,
और नंबर थर्ड विल बी एम टॉस, एंड नंबर फोर्थ विल बी आर टॉस, एंड नंबर सिक्स, नंबर फाइव विल बी डॉस, एंड नंबर सिक्स विल बी नॉस, एंड नंबर नंबर सेवन विल बी मॉस। बॉस मीन्स बॉस 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 मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बी मीन्स बैच, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एंड एस मीन्स सिस्टम। एम मीन्स मल्टी, एम मीन्स मल्टी। पी मीन्स प्रोग्रामिंग, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, और एस मीन्स सिस्टम। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और थर्ड में हम लोग का क्या है, एम टॉस। क्या है, एम टॉस। तो एम मीन्स मल्टी, टी मीन्स टास्किंग। क्या, टी मीन्स टास्किंग, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एस मीन्स सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर फोर विल बी आर मीन्स रियल, आर मीन्स रियल। टी मीन्स टाइम, रियल टाइम। ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एस मीन्स सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर फाइव में हम लोग का क्या है, डॉस। डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एस मीन्स सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर सिक्स में हम लोग क्या है, नॉस। एन मीन्स नेटवर्किंग, एन मीन्स नेटवर्किंग। ओ मीन्स ऑपरेटिंग, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एस मीन्स सिस्टम। तो क्या हो गया कम्प्लीटली, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉस मीन्स मोबाइल, एम मीन्स मोबाइल, एम मीन्स मोबाइल। ओ मीन्स ऑपरेटिंग, मोबाइल ऑपरेटिंग, एस मीन्स सिस्टम। तो क्या हो गया, हम लोग सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग का पहला क्या है, जिसमें हम लोग का पहला है बॉस। क्या है, बॉस। बॉस का क्या होता है, बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा हम लोग का क्या है, एम पॉस, एम पॉस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर थर्ड हम लोग का क्या हो गया, एम टॉस, एम टॉस मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर फोर्थ में हम लोग का क्या हो गया, RTOS, आर टॉस। तो क्या हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर फाइव में हम लोग का क्या हो गया, डॉस। क्या हो गया, डॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोग नंबर सिक्स में क्या हो गया, नॉस। क्या हो गया, नॉस, नॉस मीन्स नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर सेवन में हम लोग का क्या हो गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या हो गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन विच नंबर वन विल बी बॉस, सेकेंड विल बी एम पॉस, नंबर थर्ड विल बी एम एम टॉस, नंबर सिक्स विल बी आर टॉस, नंबर फोर विल बी आर टॉस, नंबर फाइव विल बी डॉस, नंबर सिक्स विल बी नॉस, एंड नंबर नंबर सेवन विल बी मॉस। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।